अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट तहा मलिक और आप देख रहे हैं इस मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं डीसी सिटी कराची के अंदर सेक्टर 9 के हवाले से। सेक्टर 9 में क्या प्रोग्रेस है, वहाँ पर लोकेशन क्या है, कितनी आइडियल ये लोकेशन है, और सेक्टर 6 के बाद सीबीडी के सामने की ये लोकेशन जब बन जाती है तो ये लोकेशन आने वाले वक्तों में कैसी निकलेगी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आज कैसा बेहतर साबित हो सकता है आपके लिए मुस्तकबिल के अंदर, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो सेक्टर 9 है उसकी जो लोकेशन है वो सेक्टर 3 के बाद सेक्टर 6, और सेक्टर 6 के बाद हमें सेक्टर 9 मिलता है, यानी कि शुरू के सेक्टर्स में डीजे सिटी कराची के सेक्टर 9 का शुमार होता है, और सेक्टर 9 सीबीडी के सामने के एरिया की तरफ हमें मिलता है, यानी कि उल्टे हाथ पर अगर हम जाते हैं तो हमें सेक्टर 9 मिलता है सेक्टर 6 के बाद, और फिर सेक्टर 6 के साथ ही सेक्टर 3 भी है जहां पर आबादी हो चुकी है, और सेक्टर 3 इस वक्त बेहतरीन सेक्टर कहा जा रहा है। सेक्टर 3 के साथ ही साथ सेक्टर 6 की बात अगर करें और सेक्टर 6 के साथ ही रिट्रेट करा जाए सेक्टर 9 को, तो सेक्टर 6 एक मेगा सेक्टर है, डीएचएसडी कराची का एक बड़ा सेक्टर है जहां पर प्लॉट्स की काफी ज्यादा वेरिएशन हमें मिल जाती हैं, काफी ज्यादा आइडियल लोकेशंस मिल जाती हैं, और सेक्टर 6 के साथ ही सेक्टर 9 है जहां पर हमें प्लॉट्स की वेरिएशन मिल जाती हैं। प्लॉट्स के हवाले से अगर बात करी जाए तो वहां पर हमें 200, 300 और 500 गज के प्लॉट मिल जाते हैं। 9A B के अंदर हमें 500 गज के प्लॉट मिलते हैं, साथ ही साथ डी के अंदर भी हमें 500 गज के प्लॉट मिलते हैं, और सी के अंदर हमें 200 और 300 गज के प्लॉट मिल जाते हैं, जो कि आपको वेरिएशन प्रोवाइड करते हैं आपकी चॉइसेस के अंदर। अगर आप सेक्टर 9 में प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो वहां पर आपको वेरिएशन देंगे। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि सेक्टर 9 सीबीडी के सामने है, सीबीडी के सामने होने की वजह से जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं आने वाले वक्तों में वो सेक्टर 9 के नज़दीकी होंगे, और जब कमर्शियल एरिया किसी एरिया के साथ मौजूद होता है तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती हैं, उसकी जो डिमांड है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। सेक्टर 9 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, और आप कह सकते हैं कि मिड टर्म की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जा सकती है, यानी कि 4 से 5 साल का जो अरसा है, इतने अरसे के अंदर आप इन्वेस्टमेंट को अपनी सेक्टर 9 के अंदर इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न उसके ऊपर उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपने होस्त तहा मलिक को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।